Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर्स क्विज। डेली प्रीलिम्स से रिलेटेड जो पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उस पर क्वेश्चन फ्रेम करके मैं डिस्कस करता हूं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए लार्ज पोर्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट्स इन इंडिया आर फ्रॉम कॉर्पोरेट्स। सेकेंड स्टेटमेंट, ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन डिपॉजिट्स इज विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स। थर्ड स्टेटमेंट, द आरबीआई हैज मैंडेटेड ए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 9% फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। इंडिया में जो बैंक्स के पास डिपॉजिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हाउसहोल्ड सेविंग्स जो आते हैं उसके हैं, ना कि कॉरपोरेट्स के। आपको मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ये यूएस में जो बैंकिंग क्राइसिस आया है उसको लेके है, जो सिलिकॉन वैली बैंक वहाँ पे कोलैप्स किया है। तो सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स होने का मेजर रीज़न ये था कि वहाँ पे जो कॉरपोरेट्स थे, जो स्टार्टअप्स थे, उनका सबसे बड़ा सेविंग था उसके पास। और जब विड्रॉ करना शुरू हुए मेजर वे में तो उनकी विड्रॉल डिमांड को मीट नहीं कर पाया। तो इंडियन बैंक्स में और यूएस बैंक्स में सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो यूएस के बैंक्स हैं उनके पास जो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स है वो कॉरपोरेट्स का है। इंडिया में बैंक्स का जो डिपॉजिट्स है वो हाउसहोल्ड सेविंग्स का है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि एज पर आरबीआई जो इंडिया में जो डिपॉजिट्स हैं लोगों के, हाउसहोल्ड सेविंग्स के डिपॉजिट्स हैं, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास हैं, सबसे बड़ा एसबीआई के पास है। थर्ड स्टेटमेंट, आरबीआई ने क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखा है। देखिए, जो बेसल थ्री नॉर्म्स हैं, एज पर बेसल थ्री नॉर्म्स जो कैपिटल एडिक्वेसी रिस्क होना चाहिए वो 8% होना चाहिए। ठीक है, बट इंडिया में आरबीआई ने कुछ एडिशनल प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं और उसके हिसाब से जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनको जो उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा वो 9% होगा, और ये रेशियो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए 12% रखा गया है। तो उनके लिए एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन रखा गया है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। अगर आपको ये क्वेश्चन हिंदी में भी देखना है तो हिंदी का भी ट्रांसलेशन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं इसको। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू यूरेशियन ओटर, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं यूरेशियन उदबिलाव, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन इंडिया इट इज ओनली फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट टू, इट इज लिस्टेड इन शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो आप देखें कि यूपीएससी में कभी भी कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट आता है जहां पे वर्ड ओनली यूज किया जाए, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो यूरेशियन ओटर्स होते हैं ये पाए जाते हैं यूरोप, अफ्रीका और एशिया में। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि दे आर ओनली फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि जो शेड्यूल 2 में लिस्टेड है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसमें। और अगर हम आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन स्टेटस यूरेशियन ओटर्स का नियर थ्रेटेंड है। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक होता है, एक इंडेंजर्ड होता है, उससे नीचे नियर थ्रेटेंड होता है। तो इनका स्टेटस आईयूसीएन स्टेटस यूरेशियन ओटर्स का नियर थ्रेटेंड है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नीरू रिवर। ठीक है, नीरू रिवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाई जाती है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज रिवर, इट इज ए पेरेनियल रिवर, इट ओरिजिनेट्स इन द कैलाश लेक एंड इट फ्लोस थ्रू सेवरल स्मॉल विलेजेस, सेमी अर्बन एंड अर्बनाइज्ड एरियाज। पहला लास्ट स्टेटमेंट जनरल है, करेक्ट है स्टेटमेंट ये। तो जो नीरू रिवर है, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, नॉट सतलज। अगर ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि इस डिमांड क्या है यहाँ पे क्वेश्चन का, नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये एक पेरिनियल रिवर है, कैलाश लेक से ओरिजिनेट करती है। ठीक है, और ये चेनाब रिवर को ज्वाइन कहाँ करती है, चेनाब रिवर को ज्वाइन करती है
पुल डोबा में, ठीक है, पुल डोडा, इनफैक्ट पुल डोडा में ये चेनाब रिवर को ज्वाइन करती है आके नीरू रिवर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकू कमिटी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए टू कंसिडर द मेथडोलॉजिकल एंड कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ प्रोपोर्शन एंड नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, इसको कहें पॉवर्टी एस्टिमेशन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टू लुक इनटू क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। लोकू कमिटी 1965 में बनी थी, इसका ऑब्जेक्टिव था शेड्यूल कास्ट को आइडेंटिफाई करना, या फिर ये कहें कि किस पैरामीटर्स के बेस पे शेड्यूल कास्ट को आइडेंटिफाई किया जाए। लोकू कमिटी ने सजेशन दिया, पहला पॉइंट उसमें ये था कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ये पहला क्राइटेरिया था। जो सेकेंड पैरामीटर था वो था प्रिमिटिव ट्रेड्स, ठीक है। थर्ड पैरामीटर डिस्टिंक्टिव कल्चर। फोर्थ पैरामीटर था साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ अदर कम्युनिटीज। ये चार पैरामीटर्स लोकल कमिटी ने दिए थे और आज भी यही पैरामीटर्स यूज होते हैं। किसी भी कम्युनिटी को अगर एसटी का स्टेटस देना है तो इसी पैरामीटर के बेस पे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी, टू लुक इनटू क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। लास्ट क्वेश्चन आज का, विथ रेफरेंस टू बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये रिपोर्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग प्रोड्यूस करती है और इस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो फोर मेजर लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करना। ये चार प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, मिल्क, वूल, मीट एंड जो चौथा पॉइंट है वो है एग का, ठीक है। मिल्क, वूल, मीट एंड एग पे जो ये स्टैटिस्टिक्स है सारा अपना डाटा इकट्ठा करता है। तो ये कुछ फैक्चुअल बेस्ड स्टेटमेंट है। जो पहला स्टेटमेंट है, एज पर द रिपोर्ट द टोटल वूल प्रोडक्शन इन द कंट्री हैज डिक्लाइंड इन द ईयर 2021-2022। स्टेटमेंट टू, एज पर द रिपोर्ट राजस्थान इज द टॉप फाइव, इज अमंग द टॉप फाइव मेजर एग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द टोटल मीट प्रोडक्शन इन द ईयर 2021-22। तो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप पता हो तो आप कर पाएंगे, इसमें कुछ एनालिसिस या फिर एनालिटिकल एस्पेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट है द टोटल वुड प्रोडक्शन इन द कंट्री हैज डिक्लाइंड इन द ईयर 2021-22। ये करेक्ट है क्योंकि इंडिया में जो वुल प्रोडक्शन है वो लगभग मोर देन 10% के रेट से घटा है, ठीक है। जो सेकेंड स्टेटमेंट है दैट राजस्थान इज अमंग द टॉप फाइव एग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ये गलत है क्योंकि जो टॉप फाइव एग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कि देयर हैज बीन इंक्रीज इन टोटल मीट प्रोडक्शन इन द ईयर 2021-22, ये करेक्ट है क्योंकि जो मीट प्रोडक्शन है वो 5% के रेट से बढ़ा है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, वन एंड थ्री ओनली, क्योंकि स्टेटमेंट टू गलत है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।